एग्जाम में बनना फेल होते हैं तो हमारे घर वाले अपना प्रेशर बनाते हैं, तो हम पेरेंट्स को कैसे बताते हैं कन्विंस करें? एक बार दोबारा, जब घर वाले प्रेशर बनाते हैं, हाँ, तो सर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें किसी भी एग्जाम में फेल होने के बाद? फेल होने के बाद इसमें ना, मैं आपको बोला भी था कि अगर किसी के पेरेंट्स आना चाहें तो ले आओ, और उन्हें वो जिंदगी का जो संघर्ष है वो दिखाई देगा कि आप अपने अंदर मन से कितने ज्यादा मेहनती और कितने ज्यादा पागल है अपने जुनून के लिए। कभी कभी कुछ कमियों की वजह से, जिसकी वजह से कुछ नंबरों से कभी आपका नहीं होता। तो मैं तो उन सभी माता पिता से जो भी इस माध्यम से सुन पा रहे हो एक ही बात कहूंगा, ये आपने, ये हमने भी झेला। इवन आज तक भी जो फादर साहब होते या पेरेंट्स होते, उनको सरकारी नौकरी, और अगर वो ना लो तो उसका जो उनको एक खीज होती है, एक तरीके से जो रोष होता है वो प्रकट करते हैं। असल में यहां पर ना, मैं एक पॉइंट माँ बाप के उससे बताऊंगा, एक पॉइंट आपके उससे, फिर मैनेज कैसे करना है वो बताऊंगा। मैंने जीवन में माँ बाप की बहुत डांट खाई है, पूरा अनुभव है मुझे। एक एक चीज माँ बाप को ना क्या है, वो सुविधा नहीं मिली उन जमाने में जब उनका जमाना था। फिर जब वो जैसे भी खेत में काम करके कैसे भी अपने आप को मुसीबतों में डाल के आपको पढ़ाया, लायक बनाया, बचपन से उनकी कुछ आकांक्षाएं जो थी ना वो जुड़ गई, वो इकट्ठा हो गई। जाहिर सी बात है, यदि कोई आकांक्षा टूटे वो पूरी ना हो तो जैसे हम तो हमें खींच होती है, और हमारे माँ बाप, हम तो एक साल तैयारी की है, दो साल तैयारी की है, हमारी खींच एक साल दो साल की, माँ बाप ने बचपन से पाला कि ये मेरा बेटा या बेटी मेरा नाम आगे करेगा, जो मैंने नहीं किया वो ये करेगा। ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये मेरे माता पिता को एक अच्छा भविष्य है, मुझे एक अच्छा भविष्य है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, उसकी शादी के काम आएगा, ये मेरे परिवार को, मेरे माता पिता के सर को गर्व से ऊंचा करेगा। तुम्हें जब वो, जिस दिन तुम्हारा वो डिस्ट्रैक्शन हो, जब तुम छूटने वाले हो, तुम्हें वहां एक ऐसा, ऐसी सोच चाहिए होगी जो तुम्हें उस दिन छूटने ना दे। जैसे मैं उससे कहता हूं, नमस्ते, नमस्ते मैम, मैं अभी UPSI की तैयारी कर रहा था, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हुआ हूँ। तो लोग कहते हैं कि अगर कोई गलत होता है तो उसके लिए आगे अच्छा होता है। उसके पहले मैं यूपी पुलिस में दो बार फेल हो चुका हूँ, वो भी फाइनल मेरिट से। उसके बाद मैंने सोचा कि UPSI में अच्छे के लिए हुआ हूँ, अच्छे नंबर आए हैं, मेरे नंबर 302 थे, लेकिन मैं पॉइंट से बाहर हो गया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं अच्छे के लिए होता है, फिर तो इससे बड़ा क्या मिल सकता है? UPSI तो मतलब अच्छा है, उसमें भी नहीं हो पाया। सर इसका आंसर करना चाहते हैं, काफी इच्छुक हैं। मैं बोलूं, मेरे अंदर भी उत्सुकता है, पहले आप कर दीजिए। चलिए पहले अपना एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर अब्दुल कलाम आजाद साहब का नाम सुना होगा। 2012 में CDS का पहला इंटरव्यू था कानपुर में, सुना होगा कानपुर, सॉरी इलाहाबाद, कानपुर आया तो कानपुर ही याद आ रहा है सब कुछ। पहली बार फेल हुआ, बहुत रोया, मुझे लगा इसमें क्या अच्छा होगा। लेकिन आज सोचो कि उस दिन अगर सिलेक्ट हो गया होता तो लेफ्टिनेंट होता, फिर हो सकता है आज मेजर बन गया होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज लगभग 2-2.5 लाख लोग तो जानते होंगे, बोलो हाँ या ना, जानते होंगे, तो सफल हुआ। दूसरा है कि एक छोटा सा एयरफोर्स का एग्जाम देने गए थे, महोदय आप सुनिए, एयरफोर्स का एग्जाम देने गए थे, जो हमारे बाद में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बने, राष्ट्रपति बने थे, आत्महत्या करने वाले थे उस दिन, तुच्छी सी छोटी सी परीक्षा में फेल होने का। तुम कहते हो कि पता नहीं क्या अच्छा होगा, डेफिनेटली कुछ अच्छा लिखा होगा, हो सकता है आगे चल के 3 स्टार DSP लगो, तुम कहीं आज 2 स्टार के लिए लड़ रहे हो सकता है DSP लगो कहीं। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।